दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यूटोपिया के बारे में, जो कि एक बुक है थॉमस मोर की, एक फिक्शनल बुक, एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर, जिसे पहले लैटिन में लिखा गया और बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इस बुक को शुरू करने से पहले हम लोग यूटोपिया का मतलब समझते हैं कि यूटोपिया होता क्या है। देखिए, सिंपली यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श लोक, यानी कि एक ऐसी जगह जो वास्तव में हो ही नहीं सकती। मेरी बात की जाए कि मुझे यूटोपिया का मतलब कब पता चला, मुझे यूटोपिया का मतलब तब पता चला जब मैंने एल्डस हक्सली की ब्रेव न्यू वर्ल्ड को पढ़ा था। हालांकि वो एक एंटी यूटोपियन नोवेल है, लेकिन तभी जाकर के मुझे यूटोपिया का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो यूटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस, कोई जगह है ही नहीं ऐसी। अब दोस्तों, इस बुक के अंदर एक फिक्शनल आइलैंड है जिसका नाम है यूटोपिया, और उसी के बारे में बताया गया है, वहां के रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल तौर तरीके। ऑरिजिनली इसे 1516 में पब्लिश करवाया गया और इंग्लिश में इसको 1551 में पब्लिश करवाया गया। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है, जितनी भी इसमें स्टोरी है, वो खुद थॉमस मोर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, और थॉमस मोर ने अपना ही नाम यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो बुक्स में डिवाइडेड है। पहली बुक तो है डायलॉग ऑफ काउंसिल और दूसरी है डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया। फिर इसी दूसरी बुक के अंदर उनके टाउन्स के बारे में, मजिस्ट्रेट के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, स्लेव्स के बारे में, मिलिट्री डिसिप्लिन के बारे में, रिलीजन के बारे में, और लास्ट में बताता है कंक्लूजन। तो अब अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो गया बुक का, अब हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो इस बुक की शुरुआत होती है थॉमस मोर नाम के एक कैरेक्टर से, जो कि नीदरलैंड्स में रहता है और किंग हेनरी 8 के एम्बेसडर के रूप में यहां पर काम कर रहा है, इंग्लिश ऊन के व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, ये एंटवर्प नाम की जगह पर ट्रेवल करता है और वहीं पर रहने लगता है। वहां इसकी दोस्ती एक ऑनेस्ट और पढ़े लिखे आदमी पीटर जाइल्स से हो जाती है। अब एक दिन थॉमस मोर चर्च से घर लौट रहा था तो जाइल्स के यहां भी चला गया। वहां जाइल्स एक ओल्ड आदमी से बात कर रहा था, रफायल हाइदलॉडे, ये नाम था उस आदमी का, जो कि पुर्तगाल से आया था और बहुत ही ज्ञानी आदमी मालूम पड़ता था। ऐसे लग रहा था जैसे इसने जिंदगी में बहुत दौड़ धूप की है, मतलब उसकी स्किन ऐसे लग रही थी देखने में, इसकी लंबी सी दाढ़ी थी और एक फिलोसोफर था। तो अब ये तीनों बंदे थॉमस मोर के घर गए और घर के गार्डन में बैठ करके बातें करने लगे। ये बंदा हाइदलॉडे, हमें पता चलता है कि ये बंदा हिस्टोरिकल एक्सप्लोरर है और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर घूम चुका है। यहां तक कि ये आदमी एशिया के रास्ते जो न्यू वर्ल्ड है, वहां भी ये आदमी जा चुका है, अलग अलग कल्चर्स देख चुका है और अलग अलग लोगों को मतलब पहचान चुका है। और वहीं ये आदमी यूटोपियंस के वहां पे कॉन्टेक्ट में आया। ये यूटोपियंस एक आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं जिनकी मतलब बात ही निराली है। थॉमस मोर और जाइल्स बड़े इंप्रेस हुए इस आदमी से और इसे एनकरेज किया कि इसे प्रिंस की सर्विस में जाना चाहिए, प्रिंस के एक सलाहकार के रूप में। लेकिन ये बोलता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा प्राउडी और करप्ट हैं। वो उन लोगों को बताता है कि उसने जॉन मॉर्टन की टेबल पर सालों पहले डिनर किया था इंग्लैंड में, तो वहां पर एक लॉयर इंग्लैंड की बड़ी तारीफ कर रहा था सजा देने के मामले में। वहां के चोरों को डायरेक्ट क्या है, डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। फिर वहां पर इस बंदे ने अपनी बात रखी कि इस तरह से सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय इंग्लैंड को अपनी सोशल कंडीशंस को बदलना चाहिए, मतलब यहां के जो कुलीन लोग हैं और लैंड ऑनर्स, उनमें सुधार करने चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से लोअर क्लास अफेक्ट होती है और यही सब उन लोअर क्लास की गरीबी और दिक्कतों का कारण है। और फिर वो कहते हैं कि डेथ सेंटेंस सुनाने की बजाय हम उन लोगों से मेहनत का कोई काम करवा सकते हैं पनिशमेंट के रूप में, जो उनकी जिंदगी के लिए भी अच्छा होगा। तब उस टेबल पर बैठे सारे के सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री हो गए और मैं भी समझ गया कि यहां सारे के सारे लोग आत्मलीन हैं, मतलब जो चापलूसी सुनना पसंद करते हैं। अब दोस्तों, एट द एंड ऑफ द स्टोरी थॉमस मोर अभी भी ये सोचते हैं कि जनाब आपको प्रिंस के सलाहकार के रूप में होना ही चाहिए और ये उस देश के लिए एक बेनिफिट की बात होगी। ठीक है, लेकिन हाइदलॉडे मना कर देता है। इसी के साथ साथ वो इमेजिन करता है कि अगर मैं चार्ल्स 8 या फिर लुई 7 के सलाहकार के रूप में सर्व करूं उन लोगों को,
तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि उन्हें अपनी लड़ाइयों को छोड़कर, लड़ाइयों को रोककर, अपने वॉर्स को रोककर डोमेस्टिक मैटर्स पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किंग मेरी इस तरह की एडवाइस को नहीं मानेंगे, और तो और मुझे सलाहकार के रूप में गलत कानूनों और पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद बुक टू यानी कि बुक सेकंड जो है हाइथोलॉजी यूटोपिया के बारे में बताते हैं। डिटेल से वो बताते हैं उस आइलैंड के बारे में। दरअसल वहां की सिटीज जो हैं वो आपस में समान है, समृद्ध है। और दोस्तों, ये जो नाम है ये वहां की कैपिटल है सेंट्रल लोकेशन पर होने की वजह से। और इस टाइप की सोसाइटी की फाउंडेशन कैसे हुई, ये यूटोपिया के जो लोग हैं, इन लोगों के पास अपना कुछ भी इंडिविजुअल है ही नहीं। ये सारे अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब रहने के लिए घर से लेकर ब्रेड और वाइन तक सब कुछ शेयर किया जाता है। और यहाँ पे पैसा यानी कि मनी नाम की कोई चीज नहीं है। और ये लोग गोल्ड से बड़ी नफरत करते हैं और उसे एक यूजलेस मेटल मानते हैं। इन लोगों की खुद की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर भी ये लोग अच्छे खासे संपन्न फैमिली और हाउस होल्ड वाले लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं। और ये यूटोपियंस यहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते हैं। कुछ फैमिलीज में 10 मेंबर हैं तो कुछ फैमिलीज में 16। ये लोग खेतीबाड़ी करते हैं, कारीगरी करते हैं, और ये लोग एक दिन में कम 6 घंटे तो काम करते ही हैं, उससे कम नहीं। और जो लोग काम नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, वो फ्री हैं, वो चाहे जैसे अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यूटोपिया में कुछ कानून भी हैं। वहां पर एडल्ट्री की सजा है। एक बार गुनाह किया, ये एडल्ट्री जैसा गुनाह किया, तो इतनी सजा नहीं दी जाती, लेकिन अगर दूसरी बार ये गुनाह किया तो फिर डायरेक्ट डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। इन यूटोपियंस की देखरेख और यहाँ पे इनको एनकरेज करते हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट्स, जिन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। मैं इस नाम को प्रोनाउंस नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे इन लोगों के सुपीरियर होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज है यहाँ पर। ये पॉलिसीज यूटोपियंस को अत्याचार, पॉलिटिकल करप्शन और गलत डिसीजन मेकिंग से बचाती है। और अगर मजिस्ट्रेट्स कुछ गलत करते हैं तो उनके लिए भी कानून है, लेकिन वो लोगों से प्यार करते हैं, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं। इन एडिशन, मैजिस्ट्रेसी और स्लेवरी, यूटोपिया में ये जो दो फीचर्स हैं, सोशल फीचर्स, मैजिस्ट्रेसी और स्लेवरी, ये बहुत ही क्लियर है। स्लेवरी यूटोपिया में उन लोगों को पनिशमेंट के रूप में दी जाती है जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया हो, और इन क्रिमिनल्स के लिए ये देश अलग से सिटीज प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे करके हाइथलॉडे उन लोगों को यूटोपिया की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताता है। फिर वहां के मिलिट्री डिसिप्लिन के बारे में बताता है कि यूटोपियंस को तो लड़ाइयां और वॉर्स वगैरह पसंद ही नहीं है, यहां तक कि जंगली जानवरों की फाइट भी नहीं। और अगर ये लोग लड़ाई करते भी हैं तो केवल और केवल खुद को डिफेंड करने के लिए। ये लोग खून बहाना नहीं चाहते, मतलब इन्हें अगर बुरा करना भी पड़े तो केवल खुद के बचाव के लिए करेंगे, कौन नहीं करता यार। इसके बाद वो यहाँ के रिलीजन के बारे में बताता है, और उसके बाद कंक्लूजन, अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहता है कि उसने जितना पॉसिबल हो सका उतना ढंग से यूटोपिया के बारे में बताया है। वो ये मानता है कि यूटोपिया दुनिया का सबसे बेस्ट कॉमनवेल्थ है। यहाँ कुछ भी प्राइवेट नहीं है यूरोप के देशों की तरह। वहाँ ऐसा नहीं है कि आम लोग पॉवर्टी और मिजरी में जी रहे हैं और एक तबका राज कर रहा है, जैसा कि यूरोप के देशों में होता है। और ये सब समस्याओं का कारण है पैसा, जिससे यूटोपियन तो एकदम ही परे हैं, एकदम फ्री हैं, ठीक है? और वो सोचता है कि वो यूटोपियन सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स इंग्लैंड में देखना चाहेगा, लेकिन वो जानता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता।